और अब बैटल ऑफ बंगाल में बात पोस्टर वॉर की। हुगली और हावड़ा की सड़कों पर आजकल टीएमसी और बीजेपी के कालिख पोते पोस्टर नजर आते हैं। ये कौन कर रहा है, इस पर ना टीएमसी मुंह खोलती है ना बीजेपी, मगर मामला दोनों पार्टियों के बीच का है, ये अब साफ हो चुका है। यूं भी चुनाव से पहले हिंसा की आदि बंगाल में ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर दिक्कत ये है कि पोस्टर वॉर कुछ इलाकों में ऑल आउट वॉर में तब्दील होता जा रहा है। बंगाल में सियासत की वर्बल वॉर अब पोस्टर वॉर में तब्दील हो गई है। इसका नमूना आज हुगली की गलियों और सड़कों पर देखने को मिला। कहीं तृणमूल कांग्रेस के पोस्टर्स पर कालिख पुती थी तो कहीं बीजेपी नेताओं के चेहरे स्याही से रंगे थे। ये बंगाल की सियासी संस्कृति है जिसे 30-40 सालों में लेफ्ट और उसके बाद टीएमसी ने डेवलप किया है। जब किसी सूबे की सियासी संस्कृति ही ऐसी हो तो उसे बदलने में वक्त तो लगता है। कार्यकर्ता आसमान से नहीं आते, जमीन से जुड़े होते हैं। एक शुरुआत करता है फिर दूसरा उस पर अमल करता है। इस बार शुरुआत कहां से हुई कोई नहीं जानता, मगर इसके सेंटर में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी हैं। एवं इलीगल अबॉर्शन करने के लिए। जी हां, वही कल्याण बनर्जी जो सीताहरण पर कथित टिप्पणी के बाद घिर गए थे। बीजेपी ने टिप्पणी को आस्था और धार्मिक भावना के खिलाफ बताया था। इस मामले में शिकायत भी पुलिस तक पहुंची, मगर मामला दब गया। अब कल्याण बनर्जी का एक और विवादित बयान आ गया है। कल्याण बनर्जी ने एक सभा में बोलते हुए आरोप लगाया कि आसाराम बापू और राम रहीम जैसे संतों को बीजेपी पनाह देती है, संघ परिवार के इनसे संबंध हैं और वो उन्हें आश्रय देता है। कल्याण बनर्जी ने हुगली में ही एक जनसभा के दौरान रेप और मॉलेस्टेशन के मामले में गिरफ्तार कथित संतों का हवाला देते हुए ये बात कही थी। पहले कल्याण बनर्जी का ये बयान सुन लीजिए। ये सब आश्रम और मंदिर सब प्रिस्ट जरा रोए थे तारा जी आतंकों को रेप करे थे कोमे बीजेपी तबे विरुद्ध कैसे स्टेप लिए थे ये रा सब बीजेपी एवं आरएसएस का आश्रय था के बीजेपी एवं आरएसएस का आश्रय था के रेप करने को ले साले आ रहा कि लोच्चा करना कल्याण बनर्जी का यह बयान पूरी तरह सियासी था, मगर तथ्यों के लिहाज से एकदम गलत। अगर आप गौर करें तो आसाराम बापू पर सबसे पहले शिकंजा गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्री रहते कसा। दो बच्चों की तंत्र मंत्र के चक्कर में मौत का मामला उठा। बच्चों की मौत की जांच गुजरात पुलिस ने शुरू की। दोनों बच्चे आसाराम के आश्रम में रहकर पढ़ते थे। बलात्कार के केस में गिरफ्तारी बीजेपी सरकार ने की। आसाराम अब तक राजस्थान की जेल में कैद है। राम रहीम पर केस कांग्रेस के कार्यकाल में दर्ज हुआ, कांग्रेस सरकार ने उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं की। बीजेपी सरकार आने के बाद गिरफ्तारी भी हुई और सजा भी। राम रहीम अब भी जेल में है और उसके सहयोगी फरार हैं। कल्याण बनर्जी के इस बयान के बाद ही उनके चेहरे पर कालिख पोतने की मुहिम शुरू हुई और अब ये पोस्टर वॉर बीजेपी बनाम टीएमसी में तब्दील हो गई। इससे पहले कल्याण बनर्जी ने सीताहरण पर जो बयान दिया था लगे हाथ वो भी सुन लीजिए। इससे आपको बनर्जी की जबान की रेंज भी पता चल जाएगी। सीता रामेर का जे फोनटा बुझे जाएगा। सीता रामेर का जे जे बोलछे बोलो भाग्यिस रावण आमाके हरण करे निये गेछिलो। আর যদি তোমার ছেঁড়াগুলো যারা এই জয় বলে
লাল ফেটি হলু গেরুয়া ফেটি বলে বলে যদি তোমার ছেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাতরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হবে। बहरहाल बीजेपी और टीएमसी की जबानी जंग के लिए बयानों की दरकार नहीं है, ये आरोप प्रत्यारोप चुनाव तक चलेंगे। इसमें हिंसा के आरोपों का भी मामला है। ताजा वारदात उत्तर 24 परगना के बैरकपुर की है, जहां बीजेपी की पैठ अब बहुत बढ़ गई है। शनिवार की रात कुछ लोगों ने नैहाटी के टीएमसी दफ्तर पर बम फेंका। पहले सीसीटीवी तस्वीरें देखिए और वारदात की गंभीरता का अंदाजा लगाइए। सीसीटीवी में दो लोग मोटरसाइकिलों पर आते हुए साफ देखे जा सकते हैं। सीसीटीवी के अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरों में ये लोग बार बार देखे जा सकते हैं। ये लोग कौन है इसकी जांच पूरी हुए बगैर टीएमसी ने इस धमाके का आरोप सीधे बीजेपी के मध्य मर दिया। असल में बीजेपी उधर विरोधी हिसाब हमारे ही पैसे नहीं है, ताई बार बार हो रहा আমাকে উদ্দেশ্য করে আমার বাড়ি আমার ব্যবসার স্থল আমার পার্টি অফিসকে লক্ষ্য করে ওরা বারবার আঘাত আনার চেষ্টা করছে। ওরা এই করে আমাদেরকে ঘরে দেওয়ার চেষ্টা করছে, এটা মুরগের স্বর্গে বাস করছে। এত সহজে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে না। অর্জুন সিং নৈহাটিটাকে বেছে নিয়েছে যে নৈহাটিকে এইভাবে বোম গুলি চালিয়ে যদি নৈহাটির তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে বাজিমাত করতে চাইছে নৈহাটিকে অশান্তির কেন্দ্রস্থল করে। কিন্তু নৈহাটির মানুষ, শিক্ষিত মানুষ, বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, নৈহাটির মানুষ রুখে দিয়েছে এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনের জবাব দেবে নৈহাটির। जबकि बीजेपी के लोग इन आरोपों से साफ इनकार करते हैं। उनका कहना है कि तृणमूल के कार्यकर्ता सहानुभूति हासिल करने के लिए ऐसी वारदात को खुद अंजाम दे रहे हैं। असल कथा ওদের নিজেদের এত গোষ্ঠীকণ্ড ওরা জানেই না যে কে ওর সাথে আছে আর কে ওর সাথে নেই। তাই কিন্তু গিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির নাম পেয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি এখন পর্যন্ত এই সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে না যে বোম মেরে আমাকে কাউকে মারতে হবে বা জিততে হবে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমার কোনো বিজেপির লোক এটা করেনি, কোনো সিসিটিভি ফুটেজে আমার বিজেপি কোনো কর্মীকে দেখাও যাচ্ছে না। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, मगर टीएमसी इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है अंदरूनी उथल पुथल से। वीरभूम से सांसद और पूर्व फिल्म अभिनेत्री शताब्दी रॉय ने फेसबुक पर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। हालांकि ममता की बोलपुर पदयात्रा में शताब्दी उनके साथ देखी गई थी, मगर गुरुवार को अचानक उनकी एक फेसबुक पोस्ट आई जिसमें उन्होंने उपेक्षा का आरोप लगाया। अंदाज कमोबेश वही था जो बाकी बागियों का, आरोप भी वही कि पार्टी के कुछ लोग उन्हें काम नहीं करने दे रहे। शताब्दी रॉय शनिवार को दिल्ली आने वाली थी, उनकी शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात तय थी, मगर शताब्दी के तेवर देखते ही अभिषेक बैनर्जी ने उनसे संपर्क किया। अभिषेक से बातचीत के बाद शताब्दी ने गिले शिकवे दूर करने का ऐलान कर दिया। अब उन्हें पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उपाध्यक्ष बना दिया गया है। मगर शताब्दी के करीबियों का कहना है कि ये शांति अस्थाई है, चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे तस्वीर और बदलेगी। अभिषेक ने मुलाकात तो शुभेंदु से भी की थी, शुभेंदु भी आखिरी समय तक पत्ते खोलने से इनकार करते रहे। आखिर में उन्होंने नंदीग्राम में अमित शाह के सामने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बहरहाल शताब्दी से बातचीत पटरी पर आई तो ममता के टूरिज्म मिनिस्टर गौतम देव ने ममता को एक नाराजगी भरी चिट्ठी लिख डाली। देव की नाराजगी अपने कैबिनेट कलीग रविंद्रनाथ घोष से है। उनका आरोप है कि उत्तर बंगाल विकास विभाग उनके इलाके में काम नहीं कर रहा, सिलीगुड़ी और डाब ग्राम फुलबारी के विकास कार्य रोक दिए गए हैं। मंत्री रविंद्रनाथ घोष उनकी चिट्ठी का जवाब भी नहीं देते, जबकि रविंद्रनाथ घोष इन आरोपों से इनकार करते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उनकी चिट्ठी तब सामने आई जब बीजेपी का सारा फोकस ही उत्तर बंगाल पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा गेन बीजेपी को यहीं से हुआ था। उधर सरकार और पार्टी के कामकाज से खफा वन मंत्री राजीव बैनर्जी भी शनिवार को फेसबुक लाइव पर अपने समर्थकों से अपना दुख शेयर करते नजर आए।
वे पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं। उनसे बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुपम मिश्र। राजीव बनर्जी हमारे साथ हैं, आज उन्होंने फेसबुक लाइव किया है। फेसबुक लाइव में राजीव दा आपने कुछ बातें कही हैं। एक कहा है कि धैर्य को लेकर बातें कही हैं कि कब तक मैं धैर्य रखूं। दूसरी आपने बातें कही हैं कि कुछ नेता हैं जो आपके खिलाफ एक तरह से साजिश रच रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा बताइएगा क्या है। देखिए, जो बोलना है मैंने फेसबुक लाइव में ही मैंने वो क्लियर किया है, उसका खुलासा जो भी मैंने फेसबुक लाइव में किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरा फेसबुक लाइव में मेरा फॉलोअर्स है, जो लोग मेरा पेज लाइक करते हैं वो लोग देखते हैं, उन लोगों के सामने जो मेरा दिल के बात थे मैं वही कहा, मैं अलग से कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। एक अटकल चल रही है आप टीएमसी में रहेंगे या बीजेपी में जाएंगे, चर्चाएं तमाम है, आपको भी पता है। चर्चा करने वाले चर्चा करेंगे, सोचने वाले सोचेंगे, और हमको जो करना है वो हम करेंगे। आपके काम ठीक से यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है जो मैंने आज फेसबुक लाइव में बोले है। ऐसा नहीं कि मैंने आज बोल रहा हूँ, ऐसा जो मुझको जानते हैं, जो लोग देखते हैं, आप लोग भी प्रेस वाले हैं, एक साल डेढ़ साल से देख रहे हैं, कहीं भी कोई चीज जब मैं बोल के नहीं होता हूँ हैरान हो जाता हूँ, लेकिन आदमी का काम रुकना नहीं चाहिए उस हिसाब ने, तब मैं कुछ बात बोलता हूँ। वो पहले भी बोले, ऐसा नहीं कि मैं आज बोल रहा हूँ, बिल्कुल पहले भी कहा है, लेकिन उसका कुछ सुराहा कुछ उपाय हो पा रहा है। देखिए, हम तो पेशेंस रखता हूँ, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मैं एकदम समझता हूँ कि धैर्य रखना चाहिए, और वो पेशेंस अभी भी है। दीदी मणि से बात हुई है इस बारे में जो आप बोल रहे हैं कि नहीं, सब कुछ मैं प्रेस में बोलना नहीं चाहता हूँ। इसका खुलासा कब तक हो पाएगा? जो इसका खुलासा मुझे तो कुछ खुलासा भी नहीं है, कुछ बंद भी नहीं दिख रहा हूँ। मैं मेरा दिल के बात दिल के आदमी के साथ करता हूँ। मैं तो समझता हूँ मेरा साथ रिलेशन दिल का रिलेशन है, मेरा आम से जनता से, मेरा क्षेत्र का जनता से, बंगाल की आम जनता से। तो जब दिल का कुछ बात होता है तो दिल से ही किया जाता है। कुछ नेताओं को आप बता रहे हैं कि जो साजिश रच रहे हैं, कुछ नाम है या कुछ कौन लोग हैं ये लोग, या नाम अगर नहीं भी ले रहे हैं तो कौन लोग हैं ये, किस स्तर के नेता? जहाँ बोलना है मैं बोले है, मैं सिर्फ इतना ही बोले है कि जब मैं कुछ अच्छे के लिए बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ कि पब्लिक से पार्टी का कुछ गैप बढ़े, मैं चाहता हूँ कि गैप कमे और अच्छा से काम करे, तो वहाँ कुछ अच्छा करने के लिए जब मैं कुछ बोलता हूँ, वही बात को एक दूसरी तरफ से एंगल करके मेरे विरोध में किसी को लगाया जाता है। जब हम कुछ बोलते हैं, जब पार्टी मुझसे पूछता है ये बात, मैं उसका भी जवाब देता हूँ, लेकिन जो लोग ये सब गलत काम कर रहे हैं उसको भी पार्टी को अनुशासन होना चाहिए। एक बात आपने कही कि अयोग्य लोगों को ऊपर उठाया जा रहा है, ये कई बार पिछले दफे आपने कही है। अभी और सुनिए, मैं जो बोलना है मैं बोल चुका हूँ, एक बात बोल के 10 बात बोलना भी ठीक नहीं है। अगर कुछ आगे जाके बोलना है तो फिर हम जब मन चाहेंगे तभी बोलेंगे। शुक्रिया राजीव जी। फिलहाल राजीव बनर्जी, काफी बातें उन्होंने इंडिया टीवी के साथ कही हैं और अपने मन की बातें भी कही हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है कि वो किस तरफ है। यहाँ बता देना जरूरी है कि राजीव बनर्जी हावड़ा से आते हैं, वहाँ उनकी सहकारिता मंत्री अरूप रॉय से छनी हुई है। बनर्जी को यूं भी शुभेंदु अधिकारी के खेमे का माना जाता है। शुभेंदु के जाने के बाद से ही उनके टीएमसी छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन करने के कयास लगाए जा रहे हैं।